क्योंकि अभी बज गया है यहाँ पे हमारा फायर अलार्म, इतना जोर का फायर अलार्म बजा के। और ये लो जी भाई, बन गया हमारा पराठा, आने दो। धन्यवाद। आइल ऑफ वाइट की दो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगहों पे जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। तो गाइस कुछ ऐसी होती है यहाँ पे चेयर लिफ्ट, खतरनाक। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got this system, my favorite things. You could be the pop. बज रहे हैं सुबह के 8:30 और हम लोग सब उठ गए। एक्चुअली 6 बजे से ही हम लोग सब उठे हुए थे, बिकॉज नायरा एज़ यूजुअल सो जाती है 9 बजे और उठ जाती है सुबह 6 बजे, तो वही हमारी अलार्म क्लॉक थी। तो बस उठ के देखो, इधर अभी सब धमाल चल रही है। एक तरफ चल रहा है नायरा का ब्रेकफास्ट, हाथ में भी यूट्यूब, टीवी पे भी यूट्यूब, और हाँ खुशबू गुड मॉर्निंग, मम्मी अभी भी सो रही है वहाँ पे रूम में। और यहाँ पे चल रहा है, ओहो क्या बन रही है पिंकी, पराठे जैसा लग रहा है मेरे को, आलू पराठे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है भाई, ये है हमारा मिक्स रेडी, हमने कल ही अरे बढ़िया कर दिया आटा में, बस मैं आलू में डाल ही रही हूँ। बढ़िया बढ़िया, हम दिन शुरू करेंगे आलू पराठे से भाई। आलू पराठे पंजाबी स्टाइल आलू पराठे, ऊपर से मस्त बटर और घी मार के, और क्या चाहिए भैया। भाई हम घी भी लेकर आए, अरे वाह वाह, कुछ नहीं छोड़ा हमने। क्या बात है, थोड़ा मैसी है हमारा फिलहाल का, कोई बात नहीं, क्योंकि 5-5 6-6 जन हम लोग सब मिलकर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। गुड, बॉयज भी काम पे लगे, अभी सब काम पे लगे हैं। पहले आफ्ताब अभी बर्तन धो रहा है, प्रिपरेशन में हमें प्रियांक ने हेल्प किया था, वो सब बोलने का नहीं है, अपन सब एक दूसरे को हेल्प करने का इधर बस। और यहाँ पे एक तरफ बन रही है गर्मा गर्म चाय, और प्लान अभी ऐसा है, धुआड़ मारेंगे ना अभी थोड़ी देर में, तो प्लान अभी ऐसा है कि नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर हम निकलने वाले, काफी इंटरेस्टिंग जगह है आज देखने जाने, तो व्लॉग में बने रहना। और भाई इधर हमारा पहला आलू पराठा बन गया है भाई, साइज तो देखो, मतलब एकदम प्रॉपर जैसे बाहर मिलता है वैसा। अरे ये वो ढाबे पे नहीं मिलता है, अमृतसरी आलू पराठा नहीं होता है, ढाबे पे मिलता है वैसा पराठा एकदम। कैसा है खुशबू, टेस्ट करके बताओ। बढ़िया, अरे बस बस भाई, भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है आलू पराठा, तो मैं तो भाई कब से वेट कर रहा हूँ कि कब बने भैया, आई कैनॉट वेट। पिंकी फटाफट एक के बाद एक आलू पराठे इधर से निकाले जा रहे हैं, ये देख लो भाई। आज सबको छुट्टी है, आज आज मुझे नहीं चाहिए कि आंटी या खुशबू आराम करे, पर मेरे को बॉयज ने बहुत हेल्प। कुछ नहीं, चलो अच्छा है, आलू पराठा बढ़िया बन गया एकदम, आई कैन नॉट वेट टू ट्राई द सेकंड आलू पराठा, बस थोड़ी देर में आ रहा है। और अभी थोड़ी देर पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये देखो, हमने अभी चालू कर दिया ये एग्जॉस्ट फैन, क्योंकि अभी बज गया है यहाँ पे हमारा फायर अलार्म, इतना जोर का फायर अलार्म बजा के हम लोग को लगा कि पब्लिक आजू बाजू से आ ना जाए, पर ये सब चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा भी घर पे ऐसा धुआं हो ना तो सीधा फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। यस बोलिए, ये बनता है ऐसे। ओहो, ये देख लो भाई, अरे भाई साहब एकदम ढाबा स्टाइल बन रहा है तो। अमृतसर ये वाले आप पराठे जितने हाथ से गोल घुमाओगे ना उतना बेटर बनता है, ओके, विद टेक्सचर ना कि फ्लैट, मैं सिर्फ एंड में ये कर रही हूँ। अरे बढ़िया। और ये गया हमारा दूसरा पराठा, हम घी इतना नहीं लाए इसलिए अभी हमको तेल में डाल रहे थोड़ा, लेकिन अगर आपने दिल्ली में खाया है वहाँ पे डीप फ्राइड होता है, तो ये थोड़ा सा अच्छा, लेकिन डीप फ्राई नहीं। ओके, हाँ हाँ, क्या बात है। एंड में हम डालेंगे इसमें हमारा घर का बना हुआ घी। और ये लो जी भाई, बन गया हमारा पराठा, आने दो। धन्यवाद धन्यवाद, इसके ऊपर जाएगा गर्मा गर्म, आ हा हा घी, क्या बात है, थैंक यू। और इधर मम्मी जो मम्मी साइज जो पराठा नहीं, मम्मी बोली कि मेरे तो ऐसे आंटी पूरे 20 रोटियां बना रही, इतने में हमारे 3 आलू पराठे तो पक्के बन जाते थे घर पे, बराबर के नहीं, પણ બહુ મસ્ત મહિના છે, દેખાવાને એકદમ બહાર જેવા લાગે છે, જો હોટલ જેવા નહીં, નહીં એસે ચલેગા। ઓર વૈસે ગુડ મોર્નિંગ મમ્મી, ઊંઘ આવી ગઈ થી બરાબર,
मजा आई कॉटेज में सुवानी। हाँ, मजा। ओके चलो सरस। आलू पराठा आफ्ताब? हाँ भाई। ले लो थोड़ा। जय श्री राम। आफ्ताब कैसा है? कि वो ये सब चीजें छूता ही नहीं है, मतलब एकदम बोलते ना एक एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी खाना खाने वाला ये। बाकी सब हम सब बेकार लोग इधर ये सब कोलेस्ट्रॉल वाला और बटर वाला घी वाला सब खाते हैं। आफ्ताब अपना सिंपल क्या खाएगा, एक बाउल भर के ओट्स, दैट्स इट। बज रहे हैं सुबह के 11, हम लोग सब हो गए हैं रेडी और अभी प्लान है घूमने जाने का। और यहाँ पे पहले सोचा कि लेडीज़ थोड़ा फोटो सेशन कर ले। यहाँ पे हमारी तीनों लेडीज़ ऑल इन ब्लैक, ब्यूटीफुल ब्लैक कलर, क्या बात है, मस्त लग रहे हो तीनों। हेलो, ऑल सेट फॉर द ट्रिप? हमारा आज कोई टेंशन नहीं है। हाँ। कि भाई इधर जाना उधर जाना, कितनी जल्दी निकल रहा है। 6 बजे से उठे फिर भी आराम से। यहाँ पे नायरा का भी आउटफिट देख लो। अरे वाव नायरा, सो प्रिटी नायरा, वाव। देख लो भाई, मोबाइल वोबाइल सब देख लो अपना। नहीं भाई चलो, अभी मैं पहले आपको हमारे हॉलीडे पार्क का थोड़ा टूर दे देता हूँ आज। तो देखो यहाँ पे इतने मस्त मस्त कारवान है, देखो कुछ ऐसे होते हैं ये। सो यहाँ पे आपको आपके कारवान के साथ, ये हमारा वाला है, ये कारवान के साथ आपको दिया जाता है एक पार्किंग स्पेस। हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई हुई हमारी मित्सुबिशी आउटलैंडर, बहुत मस्त गाड़ी है, क्या पावर है भाई गाड़ी में। और ये हमारे आजू बाजू के सब कारवान है, सब फुल है एक्चुअली आज। और अभी सैटरडे संडे है तो ऑलमोस्ट सारे कारवान में लोग हैं, अभी पार्टी वार्टी कर रहे हैं सब लोग। और ये आपको पीछे से भी कारवान दिखा देता हूँ, बहुत बड़ा होता है भाई, देख लो ये ऐसा कुछ होता है। और ये देखो नीचे है ना, एक्चुअली टायर्स है, देखो नीचे व्हील्स है, ये देखो। तो ऐसा कुछ है कारवान। और आज हम लोग आइल ऑफ वाइट की दो बहुत ही इंटरेस्टिंग जगहों पे जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got the system, my favorite things. You could be the power. तो गाइज हम लोग पहुंच गए इस वक्त नीडल्स, जो यहाँ पे आइल ऑफ वाइट का बहुत ही फेमस अट्रैक्शन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा नीडल्स का पूरा ओपन एरिया है। अगर आप आइल ऑफ वाइट आते हो तो नीडल्स ज़रूर आना। तो नीडल्स क्या है, बेसिकली एक सेट ऑफ रॉक्स है, लाइमस्टोन रॉक्स है, उसको देखने लोग आते हैं। उसको देखने के दो तरीके हैं। यहाँ पे मेरे सामने आपको दिख रही है ये बस आपको हर आधे घंटे पे यहाँ से, ये जगह से निकलती है ये बस, आपको ऊपर टॉप पे क्लिफ पे लेके जाएगी, हिल पे, जहाँ से आपको पूरा व्यू दिखता है नीडल्स का नीचे तक का। और दूसरा एक तरीका है कि आप चेयर लिफ्ट में, मतलब वो जो केबल कार होती है ना, उससे आप नीचे जाओ। तो अगर आपको क्लिफ्स को ऊपर से देखना है, मतलब वो रॉक्स को ऊपर से देखना है, तो आपको ये बस में जाना है। ये देखो नीडल्स ब्रीजर लिखा है। और अगर आपको क्लिफ्स को नीचे से देखना है तो उसके लिए आपको जाना है चेयर कार में। तो हम लोग दोनों लेने वाले हैं, चेयर लिफ्ट जिसको बोलते हैं या केबल कार बोलते हैं। अभी डिसाइड नहीं किया कि हम लोग पहले कौन सा लेंगे, चेयर लिफ्ट लेंगे या बस लेंगे। अगर आपको ऊपर से देखना है तो बस में जाओ, अगर आपको नीचे नज़दीक से देखना है, वहाँ पर एक बहुत मस्त लाइट हाउस है, तो आपको लेना है चेयर लिफ्ट। हम लोग दोनों करने वाले हैं। ये देखो फिलहाल यहाँ पे बस आ गई है। हम लोग इस इधर का पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने और आफ्ताब ने पूरा कलेक्ट कर लिया है। अभी आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। हम इस वक्त देखने जा रहे हैं द नीडल्स। अभी नीडल्स है क्या, मेरे पीछे आप देखो एक छोटा सा डेमो दिया है। तो नीडल्स ये ऐसे चौक के लाइमस्टोन के रॉक्स हैं जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, हजारों साल पुराने हैं। और रॉक के एंड में एक लाइट हाउस है, ये करीब 200-300 साल पुराना लाइट हाउस है। ये ऑपरेशनल नहीं है, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बना था, लेकिन लोग ये लाइट हाउस को देखने बहुत आते हैं। तो जो मैं आपको इधर छोटा सा सैंपल दिखा रहा हूँ, यही हम लोग देखने वाले हैं। इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप इसको ऊपर से देखो। ऊपर से देखने के लिए बस चाहती है। बस का प्राइस है £7.5 पर पर्सन रिटर्न टिकट। बस आपको यहाँ बाहर से मिल जाएगी और बस चलती है शाम को 5:30 बजे तक, ठीक है। दूसरा तरीका है रॉक्स को नीचे से देखने का। नीचे से देखने के लिए आपको जाना पड़ता है केबल कार में। केबल कार की टिकट्स मैंने ले ली है, इसकी प्राइस है £9 पर पर्सन रिटर्न टिकट। लेकिन अगर आप सुपर सेवर टिकट लेते हो तो ये आपको पड़ेगी £36 में। तो मैंने सुपर सेवर टिकट ली है। बता दो सुपर सेवर क्या होता है? तो वो पता नहीं, वो लोग कुछ तो कैलकुलेशन करते हैं और फिर वो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आपको सुपर सेवर लेना है या आपको नॉर्मल वाला लेना है। तो उसने बोला कि आपके लोग ज्यादा है तो आप सुपर सेवर लो। तो 45 होता है नॉर्मली चेयर कार का, बट उसका उसका अपन को 36 में मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, £9 का डिस्काउंट मिल गया। दोनों आ गया। ओके, अभी
अपन पूरा पैकेज है, जैसे मैंने आपको बोला कि अपन ये सब रॉक्स देखने जाने वाले हैं, नजदीक से देखेंगे और फिर हम ऊपर से देखेंगे। पहले हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट में, चलो चलते हैं। और दूसरी बात ये कि केबल कार 4 बजे बंद हो जाता है, केबल कार तो मेक श्योर कि आप टाइमिंग वैसे करो। तो अभी हम लोग 12:30 को अपन आए हैं, तो पहले अपन केबल कार लेते हैं, नीचे जाते हैं, वो आपको बीच पे लेके जाएगा, नीचे से रॉक्स देखेंगे, फिर वही केबल कार से हम वापस ऊपर आएंगे और फिर बस की तरफ जाएंगे। इसके बारे में ये है कि जब हम बैठेंगे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 5-6 जन हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको ये हम कैप्चर कर सके। इसमें बैठने का तरीका भी अलग है, ये जो चेयर लिफ्ट है जो कि उड़न खटोला है, ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ये रुकता नहीं है। नीचे ना एक बॉक्स बना हुआ है, आपको ऐसे खड़े रहना है और जैसे वो देखो उन्होंने बेल बजाया वाओ, आपको ऐसे खड़े रहना है और जैसे ही वो चेयर आती है आपको टुक करके बैठ के निकल जाना है। ये भी एक एक्सपीरियंस, ये एक बहुत एक्सपीरियंस है। तो आंटी आर यू रेडी? एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को बतानी है कि कैसा है कि हमारे पूरे दिन में बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, हम बहुत सारी जगह पे जा रहे हैं, बहुत सारे यू नो वी हैव गॉट लॉट ऑफ कंटेंट। तो आपको शायद हमारे वीडियोस है वो टुकड़ों टुकड़ों में दिखेंगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम हमारे एक दिन का जो ट्रिप है ना उसका हम लोग 2 या 3 ब्लॉग बना रहे हैं। तो आपको अच्छे से शांति से सब डिटेल में देखना मिले क्या है, लोकेट में क्या क्या है देखने के लिए, हमको घाई नहीं करनी है। इसके लिए हम आपको टुकड़ों टुकड़ों में ब्लॉग्स बना रहे हैं, तो देखते जाइए। ये पूरे वीक में जितने भी आइल ऑफ वाइट के ब्लॉग्स आने वाले बहुत ही बढ़िया आने वाले। अभी हम लोग केबल कार में जाने वाले और नायरा को लग रही है ठंड, और केबल कार में हवा बहुत आएगी, इसलिए यहाँ पे पिंकी ने देखो नायरा के लिए एक अपनी ब्लैंकेट से बना लिया है, एक छोटा सा पोंचो, कितनी क्यूट लग रही है। उसको जैकेट पहनना नहीं है, उसको पोंचो पहनना है। चलो चलो डिजाइन करने वाली थी उस पे, वो नहीं करने दे रही है। अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा आइल ऑफ वाइट का मैप है उसमें नीडल्स कहाँ पे है। सो नीडल्स आप देख सकते हो वेस्टर्न एज पे एकदम है, हम लोग इस वक्त यहाँ पे है। तो गाइस कुछ ऐसी होती है यहाँ पे चेयर लिफ्ट, आपको वहाँ पे आगे खड़े रहना है और सीधा बैठ जाना है। देखो अभी आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, हाँ ये देखो, ये देखो यहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं और वो लोग फिर वो हैंडल से लॉक कर देते हैं और फिर आगे निकल गए और निकल गई देखो चेयर कार। तो बस इसी में हम अभी बैठने वाले हैं। गाइज रेडी रेडी? ये देखो पिंकी और आफ्ताब बैठ गए। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. और यहाँ पे आपको दिखेगा हमारा पहला व्यू नीडल्स का। देखो सामने आपको दिख रहे होंगे लाइमस्टोन रॉक्स और उसके पीछे है लाइट हाउस। सो दैट्स द नीडल्स, द फेमस नीडल्स, जहाँ हम जा रहे हैं। भाई व्लॉगिंग यूट्यूब में जैसे भाई इधर भी अपने को देसी जनता मिल गई हमारी। एम छे मजा आई, नीचे केव छे? वरसाद छे? वो देखो आफ्ताब और पिंकी गए वहां पे नीचे। ओहो हो सुपर। This is quite an experience. देखो हम लोग सीधा नीचे जा रहे हैं, ये देखो। ओ हो हो, आई एम श्योर सबको मजा आने वाला है और सबको मजा आया होगा। ये देख लो और सामने है नीडल्स, रुको जूम करके दिखाता हूँ। सो वो रहे सामने नीडल्स, यहाँ पे हम अभी बोट लेके जाएंगे। बट भाई जम मजा आ गया, मजा आ गया सच में। मजा आ गया। तो भाई केबल कार से हम लोग आ गए हैं टूर बीच की तरफ। ये देखो ये पूरा बीच है
भाई सुपर, व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, व्हाट एन एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस था पिंकी, सुपर, मजा आ गया, खतरनाक खतरनाक। अब आपके व्यूअर्स को यहाँ पीछे बताओ जो आपके कैमरे में शायद कैप्चर हो, हाँ, तो ये जो सारे कलर्स हैं, पर्पल, ऑरेंज, रेड, ग्रे, ये देख रहे हो आप, इसी के लिए फेमस है और नेकेड आईज में और कैमरा में बहुत फर्क है, एक्सपीरियंस है, अलग लगेगा, अलग लगेगा। आपको कैमरा में दिख रहा होगा ऑरेंज और रेड, दैट्स इट। यहाँ पे प्रियांक से पूछिए, यहाँ पे दिख रहा है पर्पल, पर्पल भी दिख रहा है मुझे, रेड, ऑरेंज, कितने कलर्स दिख रहे भाई, ओ हो, ग्रे, अमेजिंग अमेजिंग। कैसा लगा भाई लोग, कैसा था एक्सपीरियंस, मजा आया? पिंकी को डर लग रही, हाँ लग रहा था, डर लग रहा था, लगा कि कुछ सामान गिर जाएगा। तो ऐसा है कि एक केबल कार में दो जन ही बैठ सकते, तो हुआ यूँ कि खुशबू और नायरा को हम लोग एक्चुअली प्लान कर रहे थे, मैं, खुशबू, नायरा तीनों एक केबल कार में जाएंगे, लेकिन उसने मना कर दिया, फिर खुशबू नायरा गए और दूसरी केबल कार में मैं आया। Me, isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift for me.